उत्तराखंड के जाने माने युवा उद्योगपति नैनी ग्रुप काशीपुर के सीएमडी पवन अग्रवाल को ऑल इंडिया पेपर मिल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बनने से उत्तराखंड का नाम पूरे देश में रोशन हुआ है। बहुत कम समय में देश के सफल उद्यमियों के रूप में पहचान बना चुके पवन अग्रवाल युवाओं के लिए मिसाल साबित हुए हैं। पवन अग्रवाल जी का मानना है कि आज शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पेपर उद्योग देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अहम भूमिका निभा रहा है। सुरागी लाल टीम ने नैनी ग्रुप के सीएमडी पवन अग्रवाल जी से इस विषय पर विशेष वार्ता की। देखें रिपोर्ट। पवन जी, बड़े हर्ष का विषय है कि जो पेपर मिल ऑल इंडिया एसोसिएशन के आप वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए राजेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। ये इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इप्मा, ये ऑल इंडिया पेपर मिल्स की एक एसोसिएशन है और इसमें हमारे पूरे इंडिया से इसमें लार्ज स्केल पेपर मिल्स इसकी मेंबर्स हैं और इसमें करीब 16 सदस्य हैं, 16 पेपर मिल्स इसकी मेंबर्स हैं। तो मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि मुझे इसमें एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करने का मुझे मौका मिलेगा, मुझे चुना गया है। और इस एसोसिएशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो दिल्ली में है और हम लोग सरकार के साथ काफ़ी सारगर्भित बातचीत करते हैं डिफरेंट अपने मैटर्स के ऊपर पेपर मिल्स के, और सरकार को हम कई अच्छे सुझाव भी देते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये एक पॉजिटिव वे में हमारी एसोसिएशन चलती है और सरकार के साथ बड़ा क्लोज हमारा संपर्क रहता है और हम इसमें सुझाव भी काफी देते हैं। पवन जी, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी, क्या पेपर मिल की समस्या आ रही, क्या प्राथमिकता पर रहेगी, क्या करेंगे? देखिए, पेपर इंडस्ट्री देश की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और दूसरा ये रोजगार परक उद्योग है, इसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं रोजगार जनरेट करने की। और दूसरा, पेपर इंडस्ट्री जैसे कि एक भ्रांति है कि जो वुड से पेपर बनाते हैं वो लकड़ी काटते हैं, जंगल काटते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पेपर इंडस्ट्री तो इनफैक्ट सोशल फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री कहिए, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है और किसान आज की डेट में चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, वो काफ़ी किसान इस समय एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, यानी कि पेड़ उगा रहे हैं अपनी ज़मीनों पर, और जब पेड़ हो जाता है पूरा बड़ा तो फिर उसको वो काट कर पेपर इंडस्ट्री में फॉर रॉ मटेरियल वो सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था चल रही है पेपर मिलों से। और दूसरा, जैसा मैंने बताया कि रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, तो मेरा फोकस दो चीजों पर रहेगा कि पेपर इंडस्ट्री में इस समय रॉ मटेरियल की थोड़ी क्राइसिस दिखाई दे रही है। तो एक तो हम चाहेंगे, हम सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी बंजर जमीनें हैं वो हमें उपलब्ध कराई जाए पेपर मिलों को, और उस पर हम अच्छी सोशल फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री कहिए, उसको हम वहां पर कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, उससे पेपर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा और एक बहुत बड़े स्केल पे रोजगार जो है वो पैदा किया जा सकेगा। और दूसरा, मेरा फोकस ये रहेगा कि पेपर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए भी हम सरकार से बात करें और किसी प्रकार के फंड की व्यवस्था करें जिससे कि कम इंटरेस्ट रेट पे पेपर इंडस्ट्रीज को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए फंड मिल सके। तो इससे भी मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। पवन जी, जैसा कि चर्चा की रोजगार का मंदिर कहा जाए, पेपर मिल हुई या जूट मिल हुई, और आप लोग रोजगार भी दे रहे हैं, साथ में जो है एक डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, इसके बाद एक मिथक है कि लोग कहते हैं प्रदूषण फैलाते हैं, ये क्या कहे क्या? देखिए, ये बहुत पुरानी बात हो गई और उसी को हम लोग समझते आ रहे हैं। पेपर मिलों में एक समय था कि प्रदूषण काफी मात्रा में होने की संभावना होती थी, तो पोटेंशियली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री रही है, लेकिन पिछले कई वर्षों में गवर्नमेंट के साथ मिलकर, डिफरेंट पोल्यूशन बोर्ड्स के साथ मिलकर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ मिलकर, पेपर मिल्स ने अपनी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजीज को, चाहे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हो, उनको बहुत इंप्रूव किया है। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज की डेट में पेपर इंडस्ट्री में वर्ल्ड क्लास एनवायरमेंट कंट्रोल और एनवायरमेंट प्रमोशन टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं दोनों क्षेत्रों में, वाटर पोल्यूशन में भी और एयर पोल्यूशन में भी। तो अब आज की डेट में देखिए, इतनी जागरूकता चारों तरफ फैली हुई है, कोई भी इंडस्ट्री पोल्यूशन फैला के अपना उद्योग नहीं चला सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।